नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। Hey guys, welcome back to the another video. So, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। So guys, आज की हमारी वीडियो होने वाली है शेरनी वर्सेस चूचू जोहर एंड आलिया भट्ट। और आज की वीडियो में आप लोगों को ईयरफोन्स और हेडफोन्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कुछ ज्यादा ही गालियां बक दी थी भाई, घर वालों ने बहुत डांट मारी मुझे। सो यार बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते यार स्टार्ट, जब तक थोड़ा नाच गाना नहीं होगा ना मजा नहीं आएगा। क्योंकि तुम में से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई चूचू जोहर को जरूर अपने वीडियोस में नचाया कर, हमें बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा भाई तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना करे। तो सबसे पहले भाई मैं महेश भट्ट को कॉल करता हूँ, पहले चूचू जोहर को बुला लेते, थोड़ा नाच गाना होगा ना तो मजे आएंगे यार वीडियो में। अरे फोन कहाँ गया बहन चू मेरा? ओ मिल गया, आलिया के पापा सिम वन। फोन उठा बुढ़ाऊ। हेलो, हाँ भट्ट साहब। अरे वो चूचू जोहर को भेजो यार, मेरे सब्सक्राइबर्स वेट कर रहे हैं उसके डांस का। अरे बट मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर सकता उसके डांस के बिना। शादी कर ली किसके साथ? सुलमान के साथ, उस बूढ़े के साथ शादी कर ली उसने। कब भागा? कल ही भाग गया। अरे कोई नहीं यार, तुम फोन करके बोलो यार उसे जल्दी आए यार। अरे 200 की जगह 500 रुपये दे दूंगा यार, भेज तो दो जल्दी फटाफट। उसे बोल देना अनन्या को भी लिया है, वो बहुत स्ट्रगलिंग एक्टर है यार, उसे भी भेज देना यार साथ में 5 मिनट में। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ बाय। पैंट चो अभी आ रहा है 5 मिनट में। 5 मिनट्स लेटर। हाँ तो भाई अब तो हो गए पूरे राज जी, अब करो अपनी वीडियो स्टार्ट। चूचू जोहर एक ऐसा बंदा है इस इंडस्ट्री का, जब भी किसी बॉलीवुड स्टार के कोई लड़का या लड़की पैदा होते हैं तो ये सबसे पहले हाथ आगे कर देता है कि जी ये बच्चा मेरे को दे दो, सबसे पहले मैं लॉन्च करना चाहता हूँ इसे अपनी मूवीज में। पहले मैं बुक करता हूँ, जब भी कोई स्टार के घर पे बच्चा पैदा होता हूँ तो मैं मेरी जाके पहले चला जाता हूँ बुकिंग करने, यू नो, ताकि वो पहला हक मैं जमा सकूं। अच्छा, इस चूचू जोहर की मैंने एक बात और नोटिस करी, ये सिर्फ पहला हक उन लोगों पे ही जमाता है जो सिर्फ स्टार किड्स होते हैं। कभी भी इसने टैलेंटेड एक्टर्स को कभी सपोर्ट नहीं किया इसने। इसकी मोस्टली सारी मूवीज में भाई सिर्फ 99% स्टार किड्स होते हैं, 99% स्टार किड्स। जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता हूं, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट। तो सुन बेटा चूचू जोहर, अब ये पब्लिक ना तेरी फूफी के लड़के को चलने देगी, ना तेरी चाची के लड़के को चलने देगी, ना तेरे ताऊ के लड़के को चलने देगी, ना तेरी बुआ के लड़के को चलने देगी। अब ये चक्कर नहीं चलेगा तेरे बॉलीवुड में, जो डिजर्व करता है उसकी मूवीज देखेंगे अब हम। समसे चूचू जोहर इतना शाना बंदा है ना, ये अपने शोज में एक्ट्रेस को बुला के उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये भाई गलत बंदे के हाथ फंस गया इस बार। इस बंदे ने आंसर ही नहीं दिया भाई इस बात का जो करण जोहर ने इनसे पूछा, क्योंकि ये तो भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दीपिका कैटरीना करीना द मोस्ट स्टनिंग एक्ट्रेस। भाई ऐश्वर्या'स नेम इज नॉट देयर। आई एम नॉट आंसरिंग दैट नाउ। You've just made me feel terrible. Thank you. Yeah, but even I wonder, obviously, why Aishwarya's name is not there. और यार ये बंदा इतना ढीठ है ना, इसकी इसके खुद के शो पे इतनी बार बेइज्जती हो चुकी, इतनी बार बेइज्जती हो चुकी, पर फिर भी नहीं मानता, शो इसे चलाना ही है। One thing that you dislike about the industry but have to pretend to like is your show. दोस्तों अब मैं बात करूंगा चूचू जोहर की चहेती आलिया भट्ट के बारे में। इस मैम को ये तक नहीं पता कि होली क्यों मनाई जाती है। होली, I don't celebrate होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। I feel क्यों मनाई जाती है पता है? तुम्हें साउथ अफ्रीका का सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो ब्रो। अरे 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 बच्ची गुस्सा मत हो, मेरे को पता है चाइना का प्रेसिडेंट, मैं बता रहा हूँ चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है चिंगपोंग लिंग टिंगलोंग। इससे अच्छा तो मेरे को भाई वो छोटे भीम का कालिया लगता है, उसके कम से कम उसे नॉलेज तो है, होली दिवाली सब मनाता तो है अपने गांव के अंदर। गाइस मेरे को तो ये समझ में नहीं आता यार, ये मीडिया वालों के सामने पब्लिक के सामने पता नहीं क्या क्या बोल देती है, खुद देख लो तुम। सब ले लो उसका, वो ऐसे हिला रहे हैं वहां से, दे दो उसका, दे दो, सॉरी वो पेपर हिला रहा है, दे दो। लेकिन दोस्तों यार एक बात है कसम से, कंगना मैडम के आगे सब फेल हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे बॉलीवुड का कितना ही बड़ा स्टार हो, इन मैडम ने तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की भी ऐसी तैसी कर दी। There was रणबीर और आलिया और somebody like that.
जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है. हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? टॉलीवुड वालों, तुम कंगना मैम को फोन करके क्या बोलते हो? तुम्हें बैन कर देंगे, मूवीज से निकाल देंगे. हाँ भाई यार, वो खुद इतनी बड़ी स्टार है, उनके वो खुद इतनी बड़ी मूवी मेकर है, उनके पास खुद इतने राष्ट्रीय पुरस्कार है, तो तुम क्या बैन करोगे उसे? मेरे लिए तो क्या बेनिफिट करेगा? आई एम ऑलरेडी मेरे मुझे 3-4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. आई एम एट द एज ऑफ 31, आई एम अ फिल्म मेकर. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले बहुत बड़ी बात है. लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? तुम सबको ना लोहे के चने चबा देगी. सुलमान, आलिया, चूचू भट्ट, हुट्टू भट्ट, चोनम कपूर, सबको लोहे के चने चबा देगी. तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे, तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं. आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती. मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ और कह रही हूँ कि प्लीज मुझे बैन करो. गाइस यार, मेरे पास एक सुशांत सिंह राजपूत की वीडियो क्लिप है, वो मैं आप लोगों को जरूर दिखाना चाहूंगा. उन्होंने मतलब उनकी स्ट्रगलिंग से रिलेटेड वो वीडियो क्लिप है. सो प्लीज यार, आप एक बार ये वीडियो क्लिप जरूर देखो. जो मेरी पहली पिक्चर है, उसके लिए मैंने 12 बार ऑडिशन दिए. जो मेरी दूसरी पिक्चर है पीके, उसके लिए मैंने 3 बार ऑडिशन दिए. जो मेरी तीसरी पिक्चर है यशराज की फिल्म, उसके लिए मैंने 1 महीने का वर्कशॉप किया और आदि के सामने और मनीष के सामने अलग अलग ऑडिशन दिए. तो उन्होंने एंड द बेस्ट पार्ट इज अभिषेक, मिस्टर हिरानी, आदित्य चोपड़ा, इन लोगों ने मुझे कभी टीवी पे नहीं देखा. इन लोगों को आइडिया भी नहीं था कि मैं कौन हूँ. उन्होंने ऑडिशन टेप्स देखे, उनको लगा कि हाँ. सो गाइस, अब इस वीडियो की एंडिंग यहीं पे करते हैं. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना यार. और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाल कलर का बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना. इससे क्या होगा, मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास. एंड थैंक यू सो मच जो आप लोग प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो. भाई प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही अपना प्यार देते रहो. और बाकी यार, किसी को भी अगर कुछ मुझसे बात करनी है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्प्ले पे देख सकते हो. तो आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. वैसे तो यार देखो, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करता हूं. आप चाहे मेरी वीडियोज में जाकर देख सकते हो, मैंने हर किसी के कमेंट का रिप्लाई कर रखा है. बस एक दो है जिनके कमेंट्स का रिप्लाई मैंने नहीं किया जानबूझ के. उनके कमेंट्स से भाई ऐसे आ रखे थोड़ा अजीब से, तो मेरे पास उनका कोई भी आंसर नहीं है. सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूँगा. और मुझे सजेशन देना यार, मुझे नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, या इन बॉलीवुड वालों पे वीडियोस बनाता रहूँ. वरना तुम सोचोगे भाई ये व्यूज़ के चक्कर में कर रहा है, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं बनाता जा रहा हूँ भाई, इन्हीं चक्कर इन्हीं पे वीडियोज़. सो प्लीज़ मुझे कोई सजेशन देना यार कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में. बाय गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर.